अभी हम लाहौर पहुंच चुके हैं और होटल देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो भाई हम लोग जो है लाहौर पहुंच चुके हैं और अब मैं अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। पहुंच गए लाहौर? हाँ जी पहुंच गए। 6 घंटे लगाए हैं, गाड़ी बीच में पंचर हो गई थी, कुछ रुकावटें आ गई थी, जिसमें 1 घंटा हमारा जाया हो गया। तभी क्या टाइम हो रहा है, 5 बजे पहुंच जाते और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं। और सुबह का नाश्ता करे हुए, बहुत भूख लग रही है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। अब देखें क्या खाते हैं, क्या खाते हैं लाहौर का पहला खाना, पहला डिनर साथ चल डिनर। चलो आज उनका व्यू कुछ इस तरीके का है कि ये बेड है, ये ब्लैंकेट बच्चों ने भी ओढ़ा है ना, तो इस वजह से यहाँ साइड टेबल है और ये बस छोटा सा हमारा एक रूम है जिसमें ये मैट्रेस भी बिछेगा अभी, जिसमें अनु तैयार होगी, वॉशरूम, टेलीफोन जहाँ पे हमें सर्विस को फोन करना है, ठीक है। और ये तो बस यहाँ पे जो है आप हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, पापा जो है बाहर वेट कर रहे थे हमारा, जिसकी वजह से हम लोगों को जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था और वीडियो भी जल्दबाजी में बनाई। तो अब देखें कि क्या खाते हैं हम लोग जाके, और हस्बैंड जो है यहाँ पे बात कर रहे थे होटल वाले मैनेजर अंकल से, तो बस अब उनसे बातचीत करके हम लोग निकलेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि सुबह के निकले हुए थे, तो रास्ते में बस हल्का फुल्का स्नैक्स तो खा रहे थे, लेकिन जो भूख लग रही थी ना वो खाने की थी कि अराइविंग जो है ना एक अच्छा सा खाना मिल जाए, इस चीज़ की थी। तो लाहौर आएँ और बट कड़ाह ही ना खाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हैदराबाद की सौगातों में से एक सौगात है कि बट कड़ाह। तो बस अब हम लोग आ गए थे बट कड़ाह खाने, जो कि हैदराबाद में लाहौर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बस अब यहाँ पे जो है हस्बैंड ऑर्डर दे रहे थे और सबकी एक दूसरे की डिस्कशन चल रही थी, तो यही हो रहा था कि भाई पहले ट्राई करते हैं उसके बाद मंगवाएंगे, ज़्यादा कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ऑर्डर दे दें और फिर हमें टेस्ट वाइज अच्छा ना लगे। तो बस अब यहाँ पे हस्बैंड जो है मेन्यू चेक कर रहे हैं और उसके बाद ऑर्डर देंगे। तो बस यहाँ पे बातों ही बातों में आ गई थी यम्मी सी चिकन कड़ाही, जो कि बट कड़ाही थी, और गर्मा गर्म खस्ता से नान और रायता सैलेड कोल्ड ड्रिंक्स कुछ मंगवाया था। अच्छा तो ये जो है ना वाकई में टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और किस किस ने बट कड़ाही खाई है लाहौर की मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो तब भी मेरे दिल मुंह में पानी आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे दोबारा से मिल जाए। अच्छा हम लोगों ने जो है ना प्लेट्स में नहीं खाई थी, हम लोगों ने इसी थाल में खाई थी, क्योंकि इसमें जो है ना गर्म जो हो रही थी ना, तो उससे बड़ा ही यम्मी लग रहा था। तो बस पापा मैं और मेरी फैमिली जो है इन्जॉय कर रहे हैं यम्मी सी बट कड़ाही, और आप लोग हमें देख के इन्जॉय करें। अच्छा कढ़ाई जो है ना हमने यही मंगवाई थी, क्योंकि हमें जो है ना और भी खाने एक्सप्लोर करने थे, तो हमारा मूड यह था कि हम ये नहीं करेंगे कि हम एक ही खाना पेट भर के खा लें और उसके बाद हम कुछ भी ना खाएं। तो फिर ये हुआ कि बस अब कढ़ाई खाने के बाद हम लोग निकले थे बाहर, और बाहर जो है ना गर्मा गर्म मिल रहा था गाजर का हलवा। तो भाई गाजर का हलवा है, सर्दियाँ हैं और हम ना खाएँ तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी गाजर के हलवे के साथ भी और हमारे साथ भी। तो बस अब हम लोग इन्जॉय करेंगे गाजर का हलवा, वो भी हम सब मिल के इन्जॉय करेंगे, वो भी रोड पर, और बस एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करने में वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और गर्मा गर्म गाजर का हलवा था, उस पर जो है ना नट्स भी डले हुए थे, यानी कि खुश्क मेवा जात, तो भाई बहुत ही यम्मी लग रहा था। और इस वक्त जो है ना आप लोगों की स्क्रीन पे भी मौजूद है, तो हम सब जो है ना मिलके शेयर कर रहे हैं गाजर का हलवा। और लाहौर में सर्दी जो है ना कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा व्लॉग जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि एक तो नेट प्रॉब्लम है, ऊपर से ज़ाहिर है घूम भी रहे हैं फिर भी रहे हैं, तो उसको भी थकन भी हो रही है ना, तो एडिटिंग में थोड़े से ना टाइम लग रहा है, तो उसके लिए आप लोगों से है मुआज़रत। तो बस यहाँ पापा मैं अनुषा इकरा और मेरे लवली हस्बैंड जो है एंजॉय कर रहे हैं गाजर का हलवा, बहुत ही मज़े का लग रहा था, और सब जो है ना एक दूसरे को कह रहे थे यहाँ वाह मज़ा आ गया। और अभी हम लाहौर स्टेशन पहुँच गए हैं, हाँ मालूम करने के लिए, सही, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है मुल्तान, सही, मुल्तान शरीफ जाएंगे फिर उसके बाद कुछ लिए मालूम करने आए हैं। अच्छा वैसे हमने होटल यही लिए, हाँ करीबी है, हाँ, और आज हम पहुँचे हैं यहाँ पर लाहौर, अभी पहुँचे हैं। और अभी वैसे तो अभी हम लोग रुकेंगे यहाँ पे 3-4 दिन, लेकिन ये है कि फिर भी मालूम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आज तो मोबाइल जो है ना मेरा जो है वो लगा हुआ है चार्ज पे, और साथ ही साथ उसमें हो रही है वीडियो अपलोड, जो कि आप लोगों को मिलेगी इंशाल्लाह। तो अच्छा मेरा जो है ना मोबाइल लगा हुआ था चार्ज पे, तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना खाना वाना खाने के बाद फारिग होने के बाद पापा चले गए थे होटल, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं आराम करूँगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम लोग जाओ घूम लो फिरो। तो बस हम लोग आ गए थे स्टेशन, और स्टेशन हम लोग क्यों आए थे, हम लोगों को मालूम करनी थी मुल्तान के लिए ट्रेन की, क्या हम लोगों को आगे निकलना है मुल्तान।
तो मुल्तान के लिए अगर मालूमात कर लेंगे कि किस दिन कितने बजे यानी कि हमें ट्रेन यानी कि बआसानी इसे मिल सकती है, तो इसलिए हम अभी से मालूमात करने आए और बच्चों को साथ साथ घुमाने भी आए हैं कि भाई लाहौर का भी जो है हम स्टेशन देख लें। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना। तो बस यहाँ पर मैं अनुषा और जो है ना मेरे हस्बैंड इकरा जो है हम लोग यहाँ का स्टेशन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर कैमरा उन्होंने बंद करवा दिया था जिसकी वजह से मैंने अंदर जाके कैमरा स्टार्ट किया था। तो ये है लाहौर का स्टेशन जो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे मौजूद है और फ्लैश लाइट तो मैंने बंद करी हुई थी जिसकी वजह से ताकि लोगों को ज़्यादा फील ना हो कि यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है और ट्रेनों के नाम और सब कुछ लिखा हुआ है मालूम। तो देखें कि यहाँ पे हमें कितने बजे की ट्रेन है। लावारिस मौसम जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और यहाँ पे फिर भी यानी कि अंदर का थोड़ा सा सुकून मिल गया था। अच्छा, सर्दी से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे फॉग यानी कि धुंध बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से जो है ना गाड़ी ड्राइव करने वालों को और जो वैसे जो सफ़र में हो ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फ़िलहाल हम लोग जो है यहाँ पे अब यहाँ का शेड्यूल देखेंगे कि क्या क्या शेड्यूल है। हमने किस टाइम पे जाना है? परसों जाना है शाम में। शाम छः बजे। तो यहाँ पे बस हस्बैंड जो है मालूमात कर रहे हैं ट्रेन की। चेहरा मैंने उनका नहीं लिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर किसी को वीडियो में ले लूँ। तो बस आपने वॉइस तो सुन ही ली होगी कि हस्बैंड जो है उनसे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई हमें शाम के 6 बजे तक निकलना है तो मुल्तान के लिए हमें कौन सी ट्रेन अच्छी ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे बस ट्रेन तो खड़ी हुई थी और मैं कह रही थी कि इसी में बैठ के चलते हैं, तो बच्चे कह रहे थे कि हाँ सामान यहीं छोड़ देते हैं और अपन मुल्तान चले चलते हैं। तो यहाँ पे जो है सिख बिरादरी भी आई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ही तादाद में आए हुए थे। फ़िलहाल ये लोग भी यहाँ पे फिर रहे थे। तो यहाँ बस अब हम लोग जो है स्टेशन से सारी मालूमात करके निकल चुके थे और अब हम लोगों ने खाना था अंडे वाला बर्गर जो कि लाहौर में किस तरीके से बनता है। तो भैया हम लोगों ने हमारी कोशिश ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर के खाने खा सकें क्योंकि लाहौर तो लाहौर है। तो बस अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं लेट नाइट अंडे वाला बर्गर। ये मैंने और अनुषा ने खाना था और मेरे हस्बैंड ने नहीं खाना था, वो कह रहे थे कि मैंने कढ़ाई और जो गाजर का हलवा खाया है बस वही इनफ है। तो अब यहाँ पे जो है ना, अच्छा हमारे वहाँ पे जो है ना अंडे का हलवा अलग स्टाइल से अंडे का हलवा कह रही हूँ सॉरी अंडे वाला बर्गर जो है ना अलग स्टाइल से बनता है, लेकिन इन लोगों की रेसिपी बिल्कुल ही अलग थी। इन्होंने पहले अंडे में जो है बन को भी फ्राई किया और उसके बाद जो ये दाल का कबाब होता है ना इसको जो है ना एग में लगा के फ्राई करके अब ये लगा रहे हैं, जबकि हमारे हैदराबाद में तो वो पता नहीं कुछ अजीब सा मसाला सा बना हुआ होता है प्याले में और वही जो है ना अंडे वाले बर्गर पर लगा देते हैं। तो वो फ़िलहाल ये वाला जो है ना ये हमें अच्छा लगा और अब माशाल्लाह से इन्होंने पूरा एग जो है ना इस पर फ्राई कर दिया है और अब ये इस पर लगाएंगे। तो भाई अभी तो बस मेरा दिल कर रहा है कि ये मुझे अभी मिल जाए, तो अब तो नहीं मिल सकता, इसके लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। तो बस हम यहाँ पे हमारे लिए रेडी हो रहा है अंडे वाला बर्गर। और आप लोगों को मेरी ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देखना है तो बहुत बुरी बात है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो बस अब हम लोग करेंगे बर्गर एंजॉय और आप लोगों से करती हूँ यहीं पे अलविदा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी बखैर रही। तो फिर लौट कर आऊँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।